हेलो स्टूडेंट्स, मैं अध्येता सर। आज मैं लेकर आया हूं आपके बुक एस विद एस्टर का 7th चैप्टर। यह एक कविता है जिसका नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यह कविता इंग्लिश के जाने माने कवि लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। इस कविता को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिले। यह कविता एक युद्ध पे लिखी गई है। युद्ध, मानव इतिहास से युद्ध का बहुत गहरा संबंध रहा है, और जहां युद्ध की बात होगी तो साहस की बात ना हो, बात कर्तव्य की ना हो, बात बलिदान की ना हो, कैसे हो सकता है। 1854 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे क्राइमियम वॉर कहते हैं। असल में तो यह युद्ध दो देशों के यानी कि इंग्लैंड और रूस के सैनिकों के बीच लड़ाई थी, यानी कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसका नतीजा क्राइमियम वॉर था। इंग्लैंड की तरफ से एक यूनिट लड़ा जिसका नाम था लाइट ब्रिगेड, और इस यूनिट में 600 सैनिक लड़े, और वह जो यूनिट था उसका कमांडर था लॉर्ड कार्डिगन, उसी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई में उन 600 सैनिकों ने, उस यूनिट ने यानी कि लाइट ब्रिगेड ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। पोएट उनके इस अदम्य साहस को देखकर इतने प्रभावित हुए, इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने 4 हफ्ते बाद एक कविता लिख दी उन पे। वे कहते हैं, यानी पोएट का मानना है कि अपने कमांडर के एक ऑर्डर पर बिना किसी सवाल जवाब के देश के लिए न्यौछावर करने का जज्बा लाइट ब्रिगेड को हीरो बनाता है। पोएट कहते हैं कि हीरोइज्म का मतलब सिर्फ ब्रेवरी या साहस दिखाना नहीं होता, बल्कि हीरोइज्म परिणाम की चिंता किए बिना अपने कमांडर के ऑर्डर को मानते हुए कर्तव्य का पालन करना है। और इसी कर्तव्य के बारे में, इसी हीरोइज्म के बारे में लॉर्ड टेनिसन ने एक कविता लिखी जिसका नाम है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। हाफ ए लीग, हाफ ए लीग, हाफ ए लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, ही सेड, इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। चलिए तो कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। लीग, लीग का क्या मतलब है कि अपनी सुरक्षा के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए या सहयोग करने के लिए देशों के बीच या लोगों के बीच जो एक समूह बनता है उसे लीग कहते हैं। वैली ऑफ डेथ यहाँ पे है द बैटल ऑफ बैलेक्लावा, यानी बैलेक्लावा का युद्ध क्षेत्र। लाइट ब्रिगेड वो क्या था, ब्रिटिश घुड़सवार सैनिक थे जिनके हाथों में तलवार होती थी, आप फोटो में देख सकते हैं। और इसी इन्हीं घुड़सवार सैनिकों का एक यूनिट था, 600 का उसमें यूनिट था, यानी कि 600 सैनिक थे उस यूनिट में, जिसे लाइट ब्रिगेड कहते थे। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बात करते हैं उस आदेश की जिसे कमांडर अपने यूनिट लाइट ब्रिगेड को देता है, अपने यूनिट को कहता है, ऑर्डर देता है कि तुम आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। कहाँ पे? उस युद्ध के मैदान में जहाँ सामने दुश्मन खड़ा है, और दुश्मन कौन है, रशियन ट्रूप्स हैं, रशियन सैनिक हैं, और वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और हम किस युद्ध की बात कर रहे हैं, हम क्राइमियम वॉर की बात कर रहे हैं, क्राइमियन वॉर। और हमने अभी पहले
बैकग्राउंड में हमने बताया था कि यह युद्ध इंग्लैंड की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ा गया था। और लॉर्ड कार्डिगन जो कमांडर हैं उस यूनिट के, वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों पे यानी कि रशियन सोल्जर पे, रशियन सैनिकों पे अटैक करो। और वो कहते हैं कि वैली ऑफ डेथ यानी कि जो युद्ध का मैदान है उसमें एंटर करो और अपने दुश्मनों पे अटैक करो, गन चार्ज करो। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई देयर्स बट टू डू एंड डाई इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं, डिसमेड का क्या अर्थ होता है? डिसमेड का अर्थ होता है डिस्करेज्ड, अफ्रेड यानी कि हतोत्साहित, डरा हुआ। दो, अक्सर ये दो के लिए THOUGH का शॉर्ट फॉर्म है जो अक्सर पोएट वगैरह पोम वगैरह में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है डिस्पाइट द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद। ब्लंडर्ड मीन्स मिस्टेकन यानी गलती, भूल, बहुत बड़ी भूल। इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि लाइट ब्रिगेड को उसका कमांडर आदेश देता है आगे बढ़ो, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन भी पूछता है। क्या पूछता है? कि क्या तुम डरे हुए हो? वाज देयर अ मैन डिसमेड, क्या कोई हतोत्साहित है? यानी कि आगे बढ़ने में किसी को क्या भय है, कोई खौफ है? लेकिन किसी सोल्जर ने नहीं कहा कि उन्हें खौफ है, हालांकि सभी जानते थे कि हमारा कमांडर कोई गलती कर रहा है, यानी कि यह आदेश देकर गलती कर रहा है, हम सारे लोग मारे जाएंगे, हम सारे सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई उन पे डाउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने कमांडर के आदेश को बिना किसी सवाल के, बिना किसी शको शुबहा के उस आदेश को पालन करना होता है। और वे आदेश को पालन करते हुए मरने के लिए उस बैटलफील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। उस डेथ ऑफ वैली ऑफ डेथ जो कि बैटलफील्ड है, उसमें आगे बढ़ने के लिए कमांडर आदेश देता है, और कोई भी बिना उनके आदेश पे सवाल खड़ा नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता, और बिना सवाल जवाब के वो यूनिट अपने कमांडर के आदेश पर आगे बढ़ जाते हैं बैटलफील्ड में, जो कि उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम वॉलीड एंड थंडर्ड स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल बोल्डली दे रोड एंड वेल इनटू द जॉज ऑफ डेथ इनटू द माउथ ऑफ हेल रोड द 600। डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें हैं आपके लिए जो बिल्कुल नए हैं, नए हो सकते हैं। कैनन, ये क्या होता है? एक बड़ा सा सिंपल सा गन होता है जो किसी शिप पे या आर्मी व्हीकल पे उसे ले जाया जाता है, जिसको हम आमतौर पे तोप के नाम से भी जानते हैं। वॉलिड क्या होता है? ये वॉलिड है एक बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बुलेट्स, तीर का जो चलना होता है या मिसाइल का डिस्चार्ज होता है, उसे हम वॉलिड कहते हैं। और शेल क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब है जिसे शेल कहते हैं। इस थर्ड स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कैनन कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। यह जो सैनिक, जो इंग्लिश सैनिक है, जो लाइट ब्रिगेड के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, घुड़सवार सैनिक, वो देखते क्या हैं कि उनके किस किस तरफ तोप लगे हुए हैं, यानी खतरे मंडरा रहे हैं। पोएट कहता है कि कैनन तोप जो हैं उनके राइट में है, तोप उनके लेफ्ट साइड में भी है और उनके सामने भी है, यानी तीन तरफ से वो तोप से घिरे हुए हैं, तोप के सामने हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, लाइट ब्रिगेड के सैनिक, घुड़सवार सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन पे तीर की, बुलेट्स की बौछार होने लगती है, बॉम्ब की बौछार होने लगती है, लेकिन वे अपने साहस को, अपने साहस के साथ उस बैटल फील्ड में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि उस बैटलफील्ड को डेथ वैली ऑफ डेथ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऐसा बैटलफील्ड है जहां पे बैटलफील्ड में मरने के सिवा कोई
और रास्ता नहीं होता। बैटलफील्ड मतलब मौत, इसलिए यहाँ पे इसलिए भी कहा है क्योंकि ये 600 ही सैनिक हैं मात्र और इनके पास सिर्फ तलवारें हैं लेकिन और कुछ छोटे मोटे गन हैं, लेकिन जो सामने वाला सैनिक है जो रशियन ट्रूप्स है उसके पास तोप्स हैं, गन्स हैं, तीर्स हैं, तीर जो है कि इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो जो हालात हैं युद्ध में, जो पोजीशन है ब्रिगेड की, द डाइट ब्रिगेड की पोजीशन यह है कि उनके सामने मौत खड़ी है चारों तरफ से और ऐसा लगता है जैसे मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। कमांडर ने जो ऑर्डर दिया है हालांकि उस पर कोई शक नहीं किया, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन इसी वजह से उन्होंने पहले पिछले स्टेंजा में कहा है कि ये गलती है, ब्लंडर्ड है कमांडर की, क्योंकि वो तो घिरे हुए हैं मौत के बीच में। फ्लैश्ड ऑल देयर सैवेज बेयर फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर सैबरिंग द गनर्स देयर चार्जिंग एन आर्मी व्हाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक कोजैक एंड रशियन reeled from the sabre stroke shattered and sundered then they rode back but not the 600 difficult words iske dekh lete hain sabres ye kya hota hai ye aisi talwar hai jo curve hoti hai aap picture mein aap dekh sakte hain ise sabres kehte hain plunged means jump yahan pe plunged means jump kiya kozak ये साउथर्न रशिया के ऐसे सोल्जर हैं जो बहुत ही साहसी होते हैं, उनके जो मेंबर कहलाते हैं वो कोजैक, उन्हें पोएट ने कहा है और वो कहलाते हैं कोजैक। रील्ड क्या है कि आप चलने में सक्षम नहीं हैं किसी वजह से, या तो आप जख्मी हो गए हैं या आपने दारू पी ली है या फिर पी लिए हैं इसलिए आप चल नहीं पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आशय पोएट का जख्मी होने से, यानी कि जख्मी पोएट सोल्जर्स हो गए हैं और वो चलने में नाकाम है। शैटर्ड मीन्स बिल्कुल ही तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, इनटू ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में एकदम बढ़ जाना। सन्डर्ड मीन्स स्प्लिट अपार्ट, अलग अलग टुकड़ों में दो हिस्सों में बढ़ जाना। अब पोएट कहते हैं इस स्टेंजा में कि जैसे ही लाइट ब्रिगेड आगे बढ़े और उन पे बौछार होने लगी, बमों की बौछार होने लगी, उन पे तीर की बौछार होने लगी, उन पे बुलेट्स की बौछार होने लगी, तो इन्होंने आगे बढ़ा और उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार को जो है कि ऊपर हवा में लहराया, बिल्कुल नेकेड तलवार, और जब वो तलवार को उन्होंने ऊपर लहराया उसे, तो वो तलवार जो है चमक उठे, बिल्कुल ही चमक उठे वो, और फिर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और रशियन सोल्जर्स को अपने स्टैब करना, उस तलवार से मारना शुरू कर दिया, स्टैब किया उन्होंने, तलवार से काटना शुरू कर दिया। और उनके इस साहस को पूरी दुनिया ने देखा और देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, उनके साहस को देखकर, उनके अदम्य साहस को देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। और फिर क्या हुआ, वो जो गन्स की बौछार हो रही थी, जो कुछ दिख नहीं रहा था, उसमें अचानक से लाइट ब्रिगेड पूरा यूनिट कूद गया, यानी कि अटैक करने के लिए, बिना इस किसी भय के, बिना इस डर से कि उस बुलेट से, उस तीर से, उस बम से वो मारे जाएंगे, वो जो उस बौछार की जो स्मोक थी, जो धुंध थी, उसमें वो डूब गए यानी कि आगे बढ़ गए बिना किसी भय के। और उन्होंने क्या किया, रशियन ट्रूप्स के सोल्जर्स को काटना शुरू कर दिया तलवार से, उनको पीसेज में, टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। और फिर कहते हैं पोएट कि फिर वो सोल्जर्स वापस आए, कौन सोल्जर्स, द लाइट ब्रिगेड के जो सोल्जर्स थे वो युद्ध से अब वापस आए, लेकिन सारे के सारे वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए, कि जो वापस आ गए थे वही 600 थे, उन्होंने मौत को गले लगा लिया था, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, क्योंकि सारे के सारे लौट कर नहीं आए थे, उन्होंने साहस को चूम लिया था, उसने गर्व को चूम लिया था अपने नेशन को, और
उस मौत, वो ऐसी मौत थी जिस पे उन्हें गर्व था और उन्होंने उसे खुशी खुशी गले लगा लिया। Not the 600 cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They had had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell. All that was left of them, left of 600. इस सेकेंड लास्ट स्टेंजा में टेनिसन डिस्क्राइब करते हैं फाइनल विजुअल्स, वार का जो फाइनल विजुअल, जो आखिरी दृश्य है उसे पोर्ट्रे करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, और फिर से एक बार वो कहते हैं कि कैनन किस किस साइड में है, किस किस साइड में था, यानी कि तोप किसके था, जो लाइट ब्रिगेड है उनके राइट में कैनन खड़ा था, उनके लेफ्ट में खड़ा था, उनके पीछे भी तोप खड़े थे, और तीनों तरफ से यानी कि हर तरफ से उन पे बमों की बौछार हो रही थी, बुलेट्स की बौछार हो रही थी, एकदम आंधी की तरह बौछार हो रही थी। स्टॉर्म्ड एट विथ शॉट एंड सेल, एकदम वो जो बुलेट्स थी, वो जो बम थी, आंधी की तरह उन पे आ रही थी। लेकिन पोएट कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, उन्होंने ज़बरदस्त साहस का प्रदर्शन किया, वे मौत के मुंह से वापस आए। कौन? द लाइट ब्रिगेड। उन्होंने जो मौत का जबड़ा है उससे बाहर आए, जो उस जो नरक है उससे बाहर आ गए, लेकिन सारे के सारे नहीं आ गए, और जो आए वही 600 बच गए थे, यानी कि उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक घायल हो गए, और बहुत सारे सिर्फ सैनिक ही नहीं, घोड़े भी बहुत सारे मारे गए और तबाह हो गए, घायल हो गए, और वॉर क्राइमियन वॉर के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर कहें तो लगभग 40% सैनिक मारे गए और घायल हो गए, सिर्फ 60% ही उस क्राइमियन वॉर से वापस आए। लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the light brigade. Noble 600. इस लास्ट स्टेंजा में पोएट टेनिसन कहते हैं, और पोएम की शुरुआत इस स्टेंजा की शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं कि क्या कभी उनकी ग्लोरी, उनकी जो उनका जो गौरव है, क्या कभी धीमा पड़ा, क्या उन पे क्या उनकी ग्लोरी कभी ख़त्म हुई, क्या उस पे धूल जमी। और कहते हैं कि वो जो उन्होंने अटैक किया था, अतुलनीय अटैक जो उन्होंने आक्रमण किया था, क्या वो लोग उसे भूल गए हैं, क्या वो कभी ख़त्म हुई। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, पूरी दुनिया अचंभित थी, आश्चर्यचकित थी। और पोएट कहते हैं कि उन्होंने जो आक्रमण किया, वह आक्रमण जिसमें उन्होंने असीमित अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उस लाइट ब्रिगेड यूनिट का सम्मान करना चाहिए। नोबल 600, वो जो 600 सैनिक थे, 600 घुड़सवार थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उन्होंने बिना सोचे कि क्या होगा इस युद्ध में, परिणाम का नतीजा क्या होगा, इसे बिना सोचे उन्होंने अपने कमांडर के एक ऑर्डर को पालन करते हुए उस मौत की जो वैली थी उसमें वो कूद पड़े, यानी बैटल फील्ड में कूद पड़े, और अपनी जान भी गंवा दी। और कहते हैं कि उस 600 जो नोबल थे, नोबल 600, उनका सम्मान करना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगर आपको कविता समझ में आई है, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो आपको क्या करना है पता ही है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने बुक के जो चैप्टर्स हैं उसको टाइम टू टाइम आप उसे पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।